जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के किसान पाठशाला के सत्र में। हम हैं जिला बिजनौर पश्चिम उत्तर प्रदेश और एक बहुत जोशीले किसान हैं मेरे साथ। मज़े की बात यह है मेरे साथ जितने हैं वो सारे जोशीले हैं, एक भी ढीला आदमी नहीं है मेरे साथ पूरी यूपी में, और बहुत प्रतिष्ठित और एजुकेटेड हैं। मैंने पहले जी एक बार जब मैंने शुरू में इनसे बात की, जिनके पास आज मैं आया हूँ, तो ये एक मुस्लिम हैं और इन्होंने मुझे तो ये लगा कि उनको शायद कुरान शरीफ का थोड़ा सा ज्ञान होगा जैसे मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो उन्होंने मुझे गीता का संस्कृत का श्लोक सुनाया, वो मुझे भी याद नहीं था। मैं इम्प्रेस हो गया उस दिन कि यार मतलब ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। उसके बाद इन्होंने कहा कि बेटा जब तुम पैदा हुए तो उस ज़माने में मैं ग्रेजुएट था। अरे वाह, मैं बोला क्या बात है, मज़ा आ गया। और उन्होंने ये केले की खेती गन्ने से हट के स्टार्ट की है यहाँ पर, ताकि यंग ब्लड, इसलिए नहीं कि उनको पैसा कमाना है, उन्होंने इसलिए की कि आने वाली जो नई जनरेशन है वो गन्ने में फंस के इस चक्रव्यूह में फिर दोबारा से वही कर्जा वही गन्ना वही कर्जा वही धान वही कर्जा वही गेहूँ, उससे हटके कुछ अलग आएँ और थोड़ा सा कुछ अलग करके लेके जाएँ। आपको मिलवाता हूँ मैं खान साहब से। खान साहब आपका स्वागत है हमारे किसान पाठशाला में। आप अपना परिचय दीजिए, हम कहाँ पर हैं और आप कौन हैं और आप किसके साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, 72 का ग्रेजुएट हूँ, अनएम्प्लॉयड रहा हूँ, इसलिए मैं खेती में इंटरेस्टेड खेती करता रहा हूँ, बदलाव की खेती करता रहा हूँ। इस खेत में जो केला लगाया है मैंने गन्ने की आफत से बचने के लिए लगाया, ना पुली उठानी बस की, ना टाइम पर लेबर का अरेंजमेंट करना बस का। तो मैंने इसको एक सिंपल से मजदूरों से काम कराया, कुछ इसमें गलतियाँ हुई हैं जिसमें मैं भविष्य में सुधार करूँगा। और इससे पहले मैंने मेंथा की खेती की जिसमें मुझे अच्छा लाभ हुआ, उससे मैं प्रभावित होकर मैंने ये केला लगाया। ये हमारे बलराम साहब की किसान पाठशाला लगी थी हमारे राहुल जी के गांव में, उससे भी मैं थोड़ा सा भाव विभोर हुआ और मैंने अपनी पॉलिसी को गन्ने के विपरीत मोड़ दिया। इस वक्त भी मेरे पास 1500 पेड़ हैं। कुछ कमियां हुई हैं एक्सपीरियंस के तौर पर, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक्सपीरियंस मस्ट होता है। बिल्कुल, उसकी जलवायु, उसकी क्लाइमेट को समझना होता है और उसके रख रखाव को भी समझना होता है। इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें पीछे हूँ, मगर मैं इसी को अभी कवर कर लूँगा 1-1.5-2 महीने के अंदर, और अगले साल में मैं लगभग 3000 पौध लगाने का बहुत अनुमान अपने दिल में संजोए हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे एक लाभ और मैंने देखा जी, गन्ने के विपरीत जितने भी हम फसलें करते हैं नकदी की, उसमें जो इनपुट तो ज़्यादा होता है लेकिन आउटपुट जो होता है तो वो एक टाइम में होता, उससे हम अपना कोई सा भी काम सॉल्व कर सकते हैं। एक मुश्त पैसा आता, एक मुश्त पैसा आता है। इसी विशेषता के ऊपर मैंने इसको चुना है और मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से आने वाले वक्त में करके दिखाऊंगा। इस बार कितना पौधा लगाया आपने? मैंने 1500 पेड़ लगाया है। 7x5 पे। बहुत बढ़िया। बस अभी इसमें बेड बनाने की तैयारी है खान साहब की, और बेड के बाद मल्चिंग जी, और बस मल्चिंग के बाद मैं कुछ चीज़ें आपको आज बता दूंगा जी। कुछ आपका जो गाइडलाइन हमारा दिया हुआ है जी वो आपके पास है ही? है ही, हाँ। उसके हिसाब से चलिए जी। जो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हमारी जलवायु के हिसाब से मैंने यहाँ के खेतों को जी यूपी को समझा। मैं जो यहाँ पे यूपी घूमने गया था ना जी, मैं वहाँ पे सभी के घर खाना खाना नहीं गया था जी जी। मैं वहाँ पे बच्चे परिवार अपनी खेती अपने काम धंधे वो सब छोड़ के जी सिर्फ किसानों की समस्या जी, उनकी मिट्टी जी, उनके माहौल को समझने के लिए गया था। जरूरी है ये। मैं किसी गाइडलाइन, अगर मेरे पास कहीं यूपी से अब कहीं से भी फोन आता है तो मैं एकदम से पकड़ जाता हूँ वहाँ की मिट्टी कैसी है, और मैं अच्छे से गाइड कर पाता हूँ जी। यहाँ आने का भी मेरा कारण आप लोगों के खेतों में यही है कि आपकी मिट्टी, अब हम एक ही जिले के लोग हैं जी, लेकिन आपकी मिट्टी और मेरी मिट्टी एकदम विपरीत है। मेरे यहाँ पे प्योर शुद्ध रेत है जी, आप उससे चिनाई करवा सकते हो। आपके यहाँ पे मिट्टी चिकनी है, बारिश पड़ जाता है खेत से नहीं निकल पाओगे। इसी वजह से तो ये मेरा एक, मेरे यहाँ पे पानी दो और क्रिकेट खेल लो आप, ऐसा है। एक महीना जो मेरा सिस्टम बिगड़ा घास की वजह से, पानी की दिक्कत थी, इसीलिए आप लोगों के यहाँ पे बेड पे लगाना थोड़ा सा बेहतर है, बेहतर रहेगा। और अभी भी हम इसको नाली पाली करेंगे जी, अल्टरनेटिव पानी देंगे। अल्टरनेटिव पानी का बहुत बड़ा उदाहरण आपको मटोरा मान के अंदर मिलेगा जी। एक किसान है वहाँ पे रोहित जी, मेरे मामा का लड़का है जी, उन्होंने वहाँ पे की हुई है एक्चुअल 70-30 जो बलराम भाई बोलते हैं, बिल्कुल एज इट इज बलराम भाई के बोर्ड से उतार के और सीधा खेत के अंदर 70-30 वही बो, बीच में गन्ना घास नाली मल्चिंग बाजरे की, एक्सीलेंट सुपर। नाली पाली पे पानी अल्टरनेटिव, आज इधर पानी दिया इधर नहीं दिया, शानदार। इतना मोटा पेड़ है उनका आज की तारीख में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो उन्होंने एज इट इज उतारा है।
और रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छे आएंगे। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब आप बेड बनाने की सलाह दे रहे हैं जी, तो इसमें कंपोस्ट खाद चारों तरफ डाल के इसके बना दो। अच्छा, और उसको दबा दें तो वो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। हाँ, क्यों, मैंने 5 टिपलर खाद ले रखा है इसके लिए, तो डलवा दीजिए उसको, तो हम रेसिड्यू फ्री में डलवा देंगे आपसे। अच्छा, हम जो खाद दिलवाएंगे यूरिया डीएपी पोटास जी, अभी ऐसे नहीं डलवाएंगे सीधे। अच्छा, गुणा 3 गोबर की खाद जी जी उसमें मिलाओ। हाँ, उसके लिए है पर्याप्त साल भर के लिए। हाँ, अगर उससे बच रहा है, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ, अगर उससे बच रहा है आपके पास जी, तो फिर आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बलराम सिंह ने एक बात कही थी आपके यहाँ पाठशाला में जी, कि यदि कंपोस्ट खाद आपके पास भरपूर है तो किसी चीज़ की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसमें 10 किलो डालो, बिल्कुल ठीक है, 2 किलो आप डालो ठीक है, 3 किलो अगले महीने, तो 5 किलो फिर अगले महीने, जरूरत नहीं अपना तो आप, आप 1.5 महीने के बाद मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा और आप एक बार मेरे खेत पे देखना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर आऊंगा एक बार आपके लिए स्पेशल काया प्लट करूंगा। ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा मजा आता है जो जोशीले आदमी है, और आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे पैराकॉट वाली। ठीक है, आपने मारी है। देखिए इसका तजर्बा, देखिए तजर्बा मस्त चीज है। हाँ, मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं, आप इधर आइए एक मिनट। ये देखिए वो इल्ली है उसमें। हाँ, इल्ली सब हो जाएगी। ये मैंने तजर्बे के लिए ये लाइन छोड़ी, ये 2 लाइनों पे आपने नहीं मारा। मैंने इस पे इधर पे थोड़ा आया लेकिन इधर नहीं आया। तो आप इनकी खूबसूरती देखो। हाँ, तो इसकी पूरे खेत से रौनक अलग है, रौनक अलग है। तो ये मैंने सर्च कर लिया अगले साल के लिए, बस पैराकोट मारना ही नहीं। हाँ, पैराकोट नहीं मारना, सीधा मल्चिंग कर दो। अगर मारना है 1% अगर मेरी परिस्थिति ऐसी होती है मौसम की, तो मैं सीधे यूं मारूंगा। एक्चुअली क्या है, अगर पैराकोट मारेंगे ना तो सबसे पहली बात ये कैंसर का है, आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो खाने वाले को, साला करेगा जरूर, हमने मारना ही नहीं। हम तो हमने जैविक, अब हमने एफपीओ बनाया है। हाँ, उस एफपीओ को आप हमारे साथ, हमारी भी एफपीसी है। अच्छा, आप जितना आपने जो हमसे पौधा लिया है आप भी एफपीसी में हो। अच्छा, और एफपीओ होता है देश के अंदर, राज्य के अंदर, एफपीसी होती है देश के बाहर भी, बाहर भी। तो आप लोग एफपीसी से जुड़े। ठीक है, जुड़े। मैंने आपको बताया था पूरा प्रोफार्म, इनको बताया नहीं आपने? हाँ, आपने पौधा कितने रुपए का लिया था? ये 22 रुपए का था। 22 का था। हाँ, आपको 1000 रुपए दे करके, 1000 रुपए का आप चाहें तो शेयर ले सकते हैं, 1 से लेकर 10,000, 50,000, 1,00,000 तक। ठीक, आप 1000 रुपए दे करके, आपके फरद वरद कुछ कागज लगेंगे उसमें, नंबर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, 7585738222 ये नंबर है पीसी का। अच्छा, आप उसमें एंट्री कराओ और आजीवन के लिए एंट्री है। ठीक, हमेशा हम आप हमारे हो गए, ऐसे बंधन बन गया, छोड़ नहीं सकते हम। हमारी एक मजबूरी है, एजेंट तो आदमी हम 72 साल के होने जा रहे हैं, यही तो जोश है। हाँ, जोश तो है लेकिन हम आईटी से बड़े मजबूर हैं। इन्होंने 1 महीना पौध लेट कराई, हमारा जो यहाँ का वातावरण है वो 15 मई से, नहीं मई में तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सर मई में गड़बड़ हो गया, लेकिन 15 जून से 15 जून तक लगना चाहिए, 15 जून से लेके। हाँ, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जी 1 जुलाई तक जी प्लांटेशन हो जाना चाहिए। अभी हमारा प्लांटेशन हुआ है 13, 14, 15 जुलाई को, तो ये 15 जुलाई लास्ट है हमारी। फिर भी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर हो सकता था। हाँ, बट इसमें बहुत सारी गड़बड़ रही पीछे। हाँ, हाँ, आपने जिस टाइम मुझे फोटो भेजे तो उस टाइम तो बिल्कुल गर्त में था, मैं खत्म हो गया था। मैं तो बड़ा होपलेस हो गया था, बिल्कुल जीरो था। मैं बोला आप चिंता मत करो साला, इसको उठा के लेके जाएंगे, चाहे किसी का उठे ना उठे आपका उठेगा। ठीक, अभी इसमें एक टुकड़ा और दिखाता हूँ मैं, छोटा सा जी, वहाँ चलते हैं। अच्छा साहब, जय जवान जय किसान।